श्रृंगार गौरी मामले में आज फिर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज फिर इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। मस्जिद कमेटी की अर्जी पर हाई कोर्ट की सुनवाई होगी। नियमित पूजा अर्चना के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई होगी। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नियमित पूजा अर्चना की मांग वाली अर्जी स्वीकार की गई थी। आज दोपहर 2 बजे से इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। श्रृंगार गौरी मामले में आज फिर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, श्रृंगार गौरी मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जी मयूरी, मैं आपको बता दूं, ये जो ज्ञानवापी वाला मामला है, ये चूंकि कई कोर्टों में चल रहा है। अगर हम बात करें जलालगढ़ में ये मामला चल रहा है, उसके बाद सर्वे पर रिपोर्ट किया बात की गई थी, सर्वे किया गया था, उसके बाद ये मामला जब अंजुमन मस्जिद कमेटी है ये सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और सर्वे के खिलाफ भी गई थी और जो मामला था पूजा अर्चना के इसके खिलाफ भी गई थी। हालांकि बाद में कार्बन डेटिंग की बात भी सामने आई थी, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत को ट्रांसफर कर दिया था। उसके बाद जब यहाँ पर ये बड़ा फैसला आया था कि कार्बन डेटिंग नहीं होती, अब इसके खिलाफ भी हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल सकते हैं और इसकी भी तैयारी चल रही है। तो वहीं जो सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दूं कि मस्जिद कमेटी की अर्जी उस पर आज सुनवाई हो रही है और सुनवाई इसलिए हो रही है क्योंकि जो नियमित पूजा अर्चना की जो अर्जी वहां पर दी गई थी कि हमको नियमित पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए, अभी मैं आपको बता दूं साल में एक बार अनुमति मिलती है वहां पर पूजा की, और नियमित पूजा अर्चना के लिए अनुमति के लिए याचिका हाईकोर्ट में डाली गई थी और उसके बाद मस्जिद कमेटी जो वहां की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, उन्होंने भी हाईकोर्ट में एक अर्जी डाली थी कि इसके खिलाफ यहाँ पर इनकी याचिका डाली गई, इसको स्वीकार किया गया था, इसके खिलाफ उन्होंने अर्जी डाली थी और इसी पर सुनवाई होनी है। महत्वपूर्ण यहाँ पर मुद्दा है क्योंकि ज्ञानवापी मुद्दे की अगर बात करें मयूरी, तो ये मुद्दा बहुत पुराना है और 91 से लगातार चलता आ रहा है और 2021 में जब 5 महिलाओं ने वहां पर याचिका डाली थी यहाँ का जो मंदिर है यहाँ पर सर्वे भी कराया जाए और यहाँ पर नियमित पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए, उसके बाद ये मामला लगातार राजनीति सरगर्म में बना हुआ है। धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। यूपी में बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। छात्राओं को मिलेगी सेल्फ सेंटर की सुविधा। यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षा में सुविधा मिलेगी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्कूल केंद्र बना तो छात्राएं वहीं देंगी परीक्षा। स्कूल को सेंटर ना मिलने पर 5 किमी में होगा सेंटर। परीक्षा केंद्र निर्धारण से जुड़े निर्देश जारी किए गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, यूपी में बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, छात्राओं को सेल्फ सेंटर की सुविधा दी जाएगी, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल मेमोरी, बहुत अच्छा फैसला है यूपी बोर्ड का है और ऐसा फैसला होते रहना चाहिए क्योंकि निश्चित रूप से छात्राओं को हम देखते हैं कि अगर उनका सेंटर दूर होता है तो उनको आने जाने समस्या होती है और बोर्ड की परीक्षा की व्यवस्था ये है कि सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे का पेपर होता है और इतनी जल्दी कहीं भी पहुंचना संभव नहीं हो पाता और कई बार जो छात्राओं को है काफी परेशानी उठानी पड़ती है। निश्चित रूप से यहाँ पर महिलाओं की व्यवस्था देखते हुए और तमाम सुविधाओं को देखते हुए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा जल्दी सुबह मिल भी नहीं पाती, समस्या रहती है। तो सेल्फ सेंटर की बात कही गई है कि अगर जो स्कूल का अगर सेंटर बनता है तो छात्राओं को वहीं जो परीक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि अब तो उत्तर प्रदेश बोर्ड में जो व्यवस्था लागू होती है वो ये होती है, अगर आपका किसी स्कूल में है तो उस स्कूल में आपको सेल्फ सेंटर की व्यवस्था नहीं दी जाती थी, आपका सेंटर कहीं और पड़ेगा, परीक्षा देने आपको बाहर जाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक बड़ा फैसला दिया गया है कि सेंटर जो है अगर सेल्फ उनका स्कूल केंद्र बना हुआ है, परीक्षा केंद्र बनाया गया है, तो छात्रा है स्कूल जो छात्र जो छात्रा उस स्कूल में उस कॉलेज में पढ़ रही है, उस इंटर कॉलेज में पढ़ रही है, तो वो अपने सेल्फ अपने ही परीक्षा केंद्र में परीक्षा दे सकेंगी। और अगर सेल्फ सेंटर नहीं बनता है तब भी एक यहाँ पर मानक लगाया गया है कि 5 किलोमीटर के एरिया में ही उनका सेंटर रखा जाए जिससे उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत बेहतर पार्लियामेंट तो बोर्ड परीक्षा की मानूंगा। धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस बार धनतेरस पर सरकारी नौकरियों की बहार, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी लॉन्च करेंगे मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव।
कल 75,000 युवाओं को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। इस धनतेरस पर सरकारी नौकरियों की बहार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी लॉन्च करेंगे मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे पीएम मोदी, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान यहाँ पर कहा है और कहा है इस बार हम नौकरियों की बहाल लेके आएंगे। और इसमें जिसके तहत कहा जा रहा है कि प्रत्येक एक साल में हम 1,00,000 नौकरी देंगे और इसकी तैयारी शुरू हो गई है और इसके लिए मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू करने वाले, जिसमें कल प्रधानमंत्री धनतेरस के दिन बड़ी सौगात युवाओं को देंगे। वहां पर 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। यहाँ पर जो नौकरियां रहेंगी वो प्राइवेट सेक्टर में भी रहेंगी मयूरी। इसके अलावा जो तमाम अगर हम बताए केंद्र नियुक्ति की बात करें या राज्य नियुक्ति की बात करें तो राज्य स्तरीय व्यवस्था भी रहेगी। इसके अलावा केंद्र में तमाम पद है वो इसके लिए भर्ती की जाएगी और बड़ी यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्ष जो आपका रोजगार के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरता नजर आ रहा है और विपक्ष लगातार कहता है कि सरकार ने, जब मोदी सरकार आई थी उन्होंने कहा था कि अब 2 करोड़ रोजगार देंगे और निश्चित रूप से लगातार घिरने के कारण और एक व्यवस्था को मजबूत करने के कारण और यहाँ पर बेहतर पहल, मैं कहूंगा कि 75,000 लोगों को जो युवाओं को यहाँ पर नियुक्ति पत्र भी देंगे और 1,00,000 नौकरी यहाँ पर देने की बात कही गई है कि 1,00,000 नौकरी देते रहेंगे और सरकारी नौकरी रहेगी, इसमें प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां भी रहेंगी। इसके अलावा सरकार लगातार कौशल विकास के माध्यम से भी लगातार जो नौकरियां देने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा जहाँ पर भी जो सेवायोजन के बने अलग राज्यों में अलग जिलों में वहां पर ही प्रयास चल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में भी युवाओं को नौकरी दी जाए और अगर युवा वास्तव में सक्षम है तो उनको आसान ऋण के माध्यम से वो अपने खुद के कारोबार स्थापित कर सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। और यहाँ पर बेहतर पहल मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी की, जो प्रधानमंत्री देश के, उन्होंने यहाँ पर कल धनतेरस से बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश के लोगों को देने वाले। धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। ग्रेटर नोएडा में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोहे से भरे खड़े ट्रक में रोडवेज बस ने मारी टक्कर। रोडवेज बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महिला सहित करीब 6 यात्री घायल हुए हैं। सड़क पर लोहे की ग्रिल पड़ी हुई आई नजर। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भयंकर सड़क हादसा हुआ है जिसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। वीआईटी थाना दादरी क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। धर्मांतरण के खिलाफ बीएचपी की अहम पीसी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज लखनऊ में विश्व संवाद केंद्र में प्रेस वार्ता होगी। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे धर्मांतरण की रणनीति पर प्रेसवार्ता होगी। आज प्रदेश भर में सपा संरक्षक मुलायम सिंह के लिए शोक सभा का कार्यक्रम होगा। पूर्व सीएम मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। शोक सभा आयोजित कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे सपाई, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा। आज सैफई में हो रहा हवन पूजन का कार्यक्रम, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव का शांति हवन पाठ किया जा रहा है। प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुबह से ही यज्ञ पंडाल की तैयारी पूरी कर ली गई है। चंदौली में युवक की हत्या कर शव को नाले में फेंका गया, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 2 दिनों पूर्व से घर से लापता था मृतक। परिजनों ने कोतवाली में दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। सदर कोतवाली क्षेत्र के सेरुका गांव का निवासी था मृतक।
सदर कोतवाली के लीलापुर गांव के पास NH2 का मामला बताया जा रहा है। चंदौली में युवक की हत्या कर शव को नाले में फेंका गया, चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंचे एडिशनल SP। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 2 दिनों पूर्व से घर से लापता था मृतक। शेरकुआ गांव के निवासी हैं शैलेंद्र कुमार भारती। ये परसों शाम से घर से मतलब गुमशुदा थे। कल शाम को इनके घर वालों ने थाने को सूचित किया था। आज इनकी डेड बॉडी जो है NH के किनारे नाले में दबी पाई गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी हत्या करके लाश को छुपाया गया। परिवार वालों की तरफ से कोई तहरीर दी गई है? विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, एक व्यक्ति शैलेंद्र भारती जिनकी डेड बॉडी NH के पास किनारे में मिली है, मिट्टी में थोड़ी दबाई हुई थी इसको, इसमें कल शाम को 19 तारीख को इनकी गुमशुदगी थाने पर दर्ज थी। इनके परिजनों द्वारा बताया गया था कि ये घर के लिए निकले थे अपनी दुकान पर जहाँ काम करते हैं और घर नहीं पहुँचे थे। पुलिस ने इनकी बाइक भी बरामद कर ली थी, रात में बरामद कर ली थी पुलिस ने लग के अपनी टीम लगा के। आज सुबह सूचना मिली जब तो SHO तत्काल मौके पहुँचे, सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पहुँचे। इसमें सभी एंगल्स पर जांच की जा रही है। इनके सभी परिजन जो हैं उनके द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें जो भी अभियुक्त हैं उनकी जल्द अरेस्टिंग की जाएगी और सभी के ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। रामनगरी में दीपोत्सव का आज होगा आगाज, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 दिवसीय दीपोत्सव का शुभारंभ होगा। आज से राम की पैड़ी के घाटों पर बिछाए जाएंगे दीपक। 22,000 वॉलंटियर्स घाटों पर बिछाएंगे 17,00,000 दीपक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रामनगरी अयोध्या से बता रहे हैं। शाम को रामलीला का होगा मंचन। धार्मिक स्थलों पर आज से लाइटिंग की सजावट भी मिलेगी। रामनगरी में आज लाइटिंग और सजावट तो होगी आकर्षण का केंद्र, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 12 तरह के लेजर शो का प्रदर्शन होगा। हमीरपुर में मोरंग खनन का शुरू हुआ सेल। जिले में 2 मोरंग खदानें हुई संचालित, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खनन नीतियों को ताक पर रखकर शुरू हुआ काम। सोलर और जलालपुर थाना क्षेत्र में हो रहा खनन। लखीमपुर खीरी में हादसा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाइक सवार 2 युवक नदी में गिरे। लखीमपुर खीरी में बड़ा हादसा हुआ है, मौके पर ग्रामीणों ने दोनों की तलाश शुरू की। 1 युवक को सुरक्षित निकाला गया। दूसरे लापता युवक की तलाश जारी है। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बड़ा हादसा हुआ है मितौली क्षेत्र के दतेली के पास सरायन की घटना। आज डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का जौनपुर दौरा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी CM विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लोकार्पण कार्यक्रम में भी केशव प्रसाद शामिल होंगे। डिप्टी CM पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।